अगर आपका लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट स्लॉट बुक नहीं कर पाएंगे। आपको अपना लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना होगा। इसके लिए परिवहन पोर्टल पर अंडर ऑनलाइन सर्विसेज ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करें, अपना स्टेट सिलेक्ट करें, अंडर लर्नर लाइसेंस टैब एक्सपायर्ड लर्नर लाइसेंस इशू अगेन पर क्लिक करें, एक्सपायर्ड लर्नर्स लाइसेंस नंबर टाइप करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप या सिलेक्ट करें, कैप्चा टाइप करें और सबमिट पर क्लिक करें, अपना नेम और फादर्स नेम कंफर्म करें, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें। आप दिए गए फोन नंबर पर एक ओटीपी रिसीव करेंगे, ओटीपी एंटर करें और ऑथेंटिकेट विद सारथी पर क्लिक करें, अपनी डिटेल्स चेक करें। क्लास ऑफ व्हीकल्स सेलेक्ट करें, एरो पर क्लिक करें, क्लास ऑफ व्हीकल्स सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपका लाइसेंस डिसक्वालिफाइड, कैंसल्ड या सस्पेंडेड है तो यस के लिए चेकबॉक्स मार्क करें, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दें। अगर आप ड्राइविंग स्कूल से ट्रेंड हैं तो यस के लिए चेकबॉक्स मार्क करें, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दें। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 पर क्लिक करें और डिक्लेरेशन के एप्रोप्रिएट रेडियो बटन्स मार्क करें। अगर आप एक्सीडेंटल डेथ के केस में अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं तो यस मार्क करें, अदरवाइज नो, सबमिट पर क्लिक करें, पॉपअप मैसेज को पढ़ लें और ओके पर क्लिक करें। आप डिटेल्स को सबमिट करना चाहते हैं, ओके पर क्लिक करें। आपकी लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की रिन्यूअल एप्लीकेशन आपके कंसर्न्ड आरटीओ या आरएलए ऑफिस में सबमिट हो चुकी है, ओके पर क्लिक करें। आप एक्नॉलेजमेंट प्रिंट कर सकते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करें, कैप्चा टाइप करें, सबमिट पर क्लिक करें, अंडर अपलोड डॉक्यूमेंट्स प्रोसीड पर क्लिक करें, ओके पर क्लिक करें, डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करें। आप अपना एक्सपायर्ड लर्नर लाइसेंस और फॉर्म 2 मर्ज करके एक सिंगल पीडीएफ में अपलोड करेंगे। फॉर्म 2 के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, फॉर्म 2 को मैनुअली भर लें। प्रूफ्स में लर्नर लाइसेंस सेलेक्ट करें, डॉक्यूमेंट नंबर इशूड बाई एटसेट्रा आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। एक्सपायर्ड लर्नर लाइसेंस और फॉर्म 2 की मर्ज की हुई पीडीएफ चूज करें और अपलोड पर क्लिक करें। मेक श्योर फाइल साइज 500 किलोबाइट से नीचे हो। अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स कंफर्म करें, नेक्स्ट पर क्लिक करें, अंडर फी पेमेंट प्रोसीड पर क्लिक करें, बैंक या गेटवे या ट्रेजरी सेलेक्ट करें, कैप्चा टाइप करें और पे नाउ पर क्लिक करें। टर्म्स एंड कंडीशन का चेकबॉक्स मार्क करें, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करें, बैंक या पेमेंट मेथड सेलेक्ट करें, कोड एंटर करें और मेक पेमेंट पर क्लिक करें, ओके पर क्लिक करें। आपकी लर्नर लाइसेंस रिन्यूअल एप्लीकेशन फी पेमेंट के साथ आपके कंसर्न आरटीओ या आरएलए ऑफिस में सबमिट हो चुकी है। आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस अंडर एप्लीकेशन स्टेटस टैब चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर टाइप करें, डेट ऑफ बर्थ टाइप या सेलेक्ट करें, कैप्चा टाइप करें, सबमिट पर क्लिक करें। आपकी एप्लीकेशन अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स की आरटीओ या आरएलए ऑफिस में वेरिफिकेशन के बाद अप्रूव होगी, जिसका स्टेटस आप एप्लीकेशन स्टेटस के थ्रू टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। जब आपकी लर्नर लाइसेंस रिन्यूअल की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी और आपका लर्नर लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा तो आप उसे अंडर लर्नर लाइसेंस टैब प्रिंट लर्नर लाइसेंस फॉर्म 3 पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करें, एप्लीकेशन नंबर टाइप करें, डेट ऑफ बर्थ टाइप या सेलेक्ट करें, कैप्चा टाइप करें और सबमिट पर क्लिक करें। आप दिए गए फोन नंबर पर ओटीपी रिसीव करेंगे, ओटीपी एंटर करें और लर्नर लाइसेंस की पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट कर लें। इस तरह से हम एक्सपायर्ड लर्नर लाइसेंस को रिन्यू करेंगे।